मैंने पिछले प्रवचनों में बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव नेचुरल एकमात्र आनंद ही चाहता है, और वह क्यों चाहता है यह भी आपको बताया गया कि आनंदो ब्रह्मेति बजानात आनंदात देव कल विमान भूतान जायन्ते आनंदे न जातान जीवंत यत् पर्यंत। वेद कह रहा है कि ये संपूर्ण विश्व चार आचार दोनों आनंद से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम आनंद चाहते हैं। और आनंद और भगवान ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। रसो वैसह तैत्तरीयोपनिषद, वो आनंद है उसमें आनंद है ऐसा नहीं कह रहा है वेद। रसो वैसह आनंदो ब्रह्मेति, वो आनंद है वो रस है ऐसा कह रहा है, और उसको प्राप्त करके ही ये रसमय आनंदमय हो सकता है। जो वही रसानाम रसतमः, छांदोग्योपनिषद। फिर वेद कहता है कि रस की अंतिम सीमा यानी अनलिमिटेड आनंद वो है, अब उसको प्राप्त करके ही यह आनंदमय हो सकता है। नान्य पंथा, और कोई मार्ग नहीं। आनंद किसे कहते हैं? जो अनंत मात्रा का हो अर्थात अनलिमिटेड, और अनंत काल के लिए हो, सदा के लिए हो। ये दो शर्तें। जो वही भूमा तत् सुखम नान्यत् सुखमस्ति, भूमा तेव विजिज्ञासितव्य, वेद कहता है। वो आनंद भगवान है, उसको जानो और उसको पाने का प्रयत्न करो। हाँ, तो प्रयत्न के विषय में मैंने पिछले प्रवचन में बताया था कि कर्म ज्ञान भक्ति ये तीन मार्ग वेद में हैं। कांडत्रयात्मको वेदा, किंतु डिटेल में मैंने बताया था कि कर्म तो यदि विधिवत किया जाए 100% तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग माइक लोक है, जैसे आपके यहां कोई घसियारा हो और एक कोई अरबपति खरबपति हो, इतना अंतर है। ऐसे ही हमारे इस मृत्यु लोक के सुख से स्वर्ग लोक में अंतर है, लेकिन है ऐसा ही। जैसे यहां काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड आध्यात्मिक आधिदैविक आदि भौतिक ताप ये अनंत दुख हैं, ऐसे ही स्वर्ग में भी है। भोले भाले लोग अपने बाप के मरने पर लिखते हैं हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और वेद कहता है प्रमूढ़ा, वे घोर मूर्ख हैं जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं या स्वर्ग जाते हैं। घोर प्रमूढ़ा शब्द है वेद में। क्यों? इसलिए कि स्वर्ग का सुख भी लिमिटेड है और उसका काल भी लिमिटेड है, अर्थात सुख की मात्रा भी सीमित है और कुछ दिनों के लिए मिलता है। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते भागवत, जब तक पुण्य समाप्त नहीं हुआ तब तक आप स्वर्ग में रह लीजिए। और उसमें भी भुवा महाजना तपा सत्य ब्रह्मलोक कई क्लासेस हैं, तो आगे वाले क्लास के सुख को देख कर ईर्ष्या होती है। जैसे हम संसार में देखते हैं ना, एक साइकिल चलाने वाला कार वाले को देखकर घूरता है, है धूला उड़ा के चला गया, बड़ा लाट साहब आया। उसको ईर्ष्या होती है, हमारे कार नहीं है साइकिल है। ऐसे ही स्वर्ग में भी बीमारी है। हमारे मृत्यु लोक में कोई तपस्या कर रहा है,
ध्रुव हो, दिलीप हो, कोई हो, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, इंद्र को बदहदमी हो गई, उसने कहा ये हमारी सीट लेगा, ईर्ष्या और अप्सराएं भेजता है, उसकी तपस्या भंग करता है, वहां भी ये रोग है जैसे हमारे संसार में। इसलिए कर्म तो निरर्थक है, पहली बात तो इतना कठिन है उसको समझना फिर करना। षड्भी संपद्यते धर्मस्य इति दुर्लभतरा कलौ, छोटी सी उम्र है कलयुग में इतना वेद का, शास्त्र का, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करे, थियरी का ज्ञान हो, फिर प्रैक्टिकल अमल करे, असंभव है। काली नहीं कर्म कलयुग में नहीं हो सकता, और अगर कर भी ले तो स्वर्ग मिलेगा वो भी क्षण भंगुर, इसलिए कर्म तो त्याज्य है। अब ज्ञान को लो, बड़ी तारीफ होती है ज्ञान की, गीता में कहा है नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, ज्ञानादेव ही कैवल्यम रिते ज्ञानान्न मुक्ति, शास्त्र वेदों का उद्घोष। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ज्ञान के द्वारा अविद्या माया समाप्त हो जाएगी, विद्या माया नहीं समाप्त हो सकती, यानी स्वरूपावरी का माया समाप्त हो जाएगी, गुणावरी का माया समाप्त नहीं होगी। उसके लिए भगवान का चैलेंज है मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, गीता, जो केवल मेरी भक्ति करता है उस पर मैं कृपा करता हूं तब वो माया जा सकती है, अपनी साधना से नहीं जा सकती। अनंत कोटि कल्प कोई तपस्या करे, कोई साधन करे, माया को नहीं जीत सकता, क्यों? वो भगवान की शक्ति है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया, और भगवान की शक्ति से शक्तिमती होती है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भासु सत्य इव सहित सहाया, वो भगवान की शक्ति है माया में, इसलिए भगवान के सिवा और कोई नहीं जीत सकता। भगवान जिस पर कृपा करे उससे माया को इशारा कर दे हट जाओ, और कृपा किस पर करे जो भक्ति करे, सरेंडर करे, शरणागत हो, ये अकाट्य नियम है। इसलिए ज्ञानी हो, कर्मकांडी हो, तपस्वी हो, योगी हो, कोई हो, बिना भक्ति के न माया से उत्तीर्ण हो सकता है और न परमानंद पा सकता है, वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस वो भी नहीं मिलेगा। देखिए थोड़ा गीता से समझिए, गीता का प्रारंभ कहां से होता है? कौरव पांडव का युद्ध होने जा रहा है, तो कौरवों के नेता दुर्योधन, पांडवों के नेता अर्जुन, दोनों श्री कृष्ण के पास गए द्वारिका हेल्प के लिए। भगवान लेटे थे आराम से, दोनों की अंतरंग वृत्ति को नोट कर रहे थे। दुर्योधन सिर के पास खड़ा हुआ पलंग के, अर्जुन पैर के पास खड़ा हुआ। भगवान ने आंख खोला, हेलो आप लोग कैसे आए? दोनों ने बताया कि महाराज आपकी हेल्प के लिए। उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है कि एक तरफ तो मेरी 18 अक्षौहिणी सेना होगी शस्त्र के सहित, और एक तरफ मैं रहूंगा अकेला बिना शस्त्र के, अब तुम लोग चुन लो, ध्यान दो यहीं पर कि अर्जुन कहता है मैं आपको लेता हूं, और दुर्योधन कहता है मैं 18 अक्षौहिणी सेना लूंगा। क्यों जी? अर्जुन को इतना ज्ञान है कि ये भगवान है, तभी तो उसने कहा कि निहत्थे आपको हम लेंगे,
अरे क्या पूजा करना है वहां, लड़ाई के मैदान में तो युद्ध होगा, अकेले उनको निहत्थे को लेके क्या करोगे तुम? अर्जुन कहता है मैं जो मांग रहा हूं वही लूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, फैसला हो गया। 18 छोहनी फौज कितनी होती है ध्यान दो, 393,660 रथ, और इतना ही 393,660 हाथी, प्लस 19,68,300 पैदल फौज, प्लस 11,80,800 घोड़े। अब इनके सबके ऊपर सवारी भी तो होगी ना, घोड़े के ऊपर एक आदमी बैठा रहेगा, हाथी के ऊपर दो आदमी रहेंगे, रथ के ऊपर दो आदमी रहेंगे, एक रथ हांकने वाला, एक युद्ध करने वाला। तो इस प्रकार लगभग 45 लाख फौज है, हथियार बंद, ये 18 छौहनी है, ये एक साइड में रहेगी और एक साइड में श्री कृष्ण अकेले। ठीक है, आप लोगों ने चुन लिया, अब आप जाइए। उनको सेना दे दिया और अर्जुन के लिए भगवान स्वयं सारथी बन गए और शंख बज गए। शंख माने प्राचीन काल में शंख बजा करते थे युद्ध प्रारंभ करने के लिए, धोखे से नहीं कोई काम होता था। शंख बज गए तो अर्जुन धनुष बाण को रख कर जमीन पर कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। सोचिए हाफ मैट था कि फुल मैट था या एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि मांगा उसने श्री कृष्ण को अकेले बिना शस्त्र के, और यह लड़ाई के मैदान में ये कहता है युद्ध नहीं करेंगे, और रीजन क्या बताता है कि ये मेरे बुजुर्ग लोग हैं, रिस्पेक्टेड हैं सब, ये भीष्म पितामह वगैरह, इनको मारूंगा और इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, वो करेक्टरलेस हो जाएंगी, हमको नरक मिलेगा, मैं ऐसी पृथ्वी नहीं भोगना चाहता। वाह, भगवान कहते हैं क्यों रे? जब तू हमारे पास गया था हेल्प मांगने, तब उसको मालूम नहीं था किनसे लड़ना है, किसको मारना है, ये तो मालूम था। फिर यहां आते ही इन लोगों को देखते ही क्या हो गया जादू तेरे ऊपर? ठीक है महाराज, मैं आपको गुरु मानता हूं। देखो कितना होशियार है अर्जुन, अगर वो कहता भगवान मानता हूं तो भगवान कहते गुरु के पास जाओ। उसने पहले ही कह दिया शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और प्रपन्न शिष्य हूं। वो कान फूकने वाले फुकाने वाले नहीं। अच्छा महाराज, तो क्यों जी तुम हमारे शिष्य हो? हाँ, तो हमारी आज्ञा मानोगे 100% ना? हाँ, तो फिर युद्ध करो। वो तो ठीक है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं यह भी तो ठीक है? नहीं, ये गलत है। 18 अध्याय का लेक्चर हुआ, अनेक बातें उसमें आई, मीमांसा, वेदांत, सांख्य, न्याय, पातंजलि, सब दर्शन शास्त्रों को भगवान ने बताया अर्जुन को, समझ में नहीं आया। 18वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा अच्छा सुन, कंक्लूजन, अब इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा। सर्वगुहिजतमं भूय श्रृणु मे परमं वचः। एक होता है गुह्य माने गुड, और गुह्यतर माने बेटर, और गुह्यतम माने बेस्ट, और इसके पीछे भी लगा दिया सर्व।
सारे प्राइवेटों में प्राइवेट बात सुन। ओ क्या है वो बात प्राइवेट? 18वें अध्याय का 64वां श्लोक, मन मना भव मत भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु, मेरी भक्ति कर बस, न कर्म न ज्ञान न योग न तपस्या कुछ नहीं, मेरी भक्ति कर। भक्ति कैसी करूं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज, 18:66, सब धर्म छोड़ दे, तुझे धर्म की बीमारी लगी है ना कि इनको मारूंगा तो पाप होगा। अरे पाप वाप कुछ नहीं होगा, मैं क्षमा कर दूंगा, बस शर्ते कि तू शरणागत हो जा 100%, सब धर्मों को छोड़कर। ये भक्ति प्योर भक्ति है। दो प्रकार की भक्ति होती है, धर्म का पालन करो एक्टिंग में और मन से श्री कृष्ण की भक्ति करो, एक तो ये है भक्ति। अर्जुन को इसका उपदेश दिया है, तस्मात सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, ये भक्ति, और युद्ध च युद्ध कर, ये कर्म, या केवल भक्ति करे, ये दो मार्ग हैं कल्याण के। या तो कर्म प्लस भक्ति, कर्म में मन का अटैचमेंट ना हो एक्टिंग से, फिजिकल वर्क, जैसे एक माँ का बच्चा पैदा हुआ उसे खुशी हो रही है और उसको पैदा कराने वाली डॉक्टरनी को कोई खुशी नहीं, ठीक है मर गया, तो अब जिसका बच्चा है वो रो रहा है, डॉक्टरनी कहती है बाप बाहर जाइए, उसको कोई दुख नहीं। तो या तो एक्टिंग में कर्म हो फलाशक्ति रहित प्लस भक्ति मन से हो करेक्ट, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, या केवल भक्ति करें तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये दो मार्ग हैं। तो इसी भक्ति मार्ग को जब सुना अर्जुन ने तो कहता है हा हा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा वत् प्रसादान मयाच्युत, अब समझ में आया, अज्ञान चला गया, अब करिष्ये वचनंतव, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप जिस पर कहो बाण छोड़ दूं, अपने बाप के ऊपर, क्योंकि अब मैं समझ गया कि पाप नहीं लगेगा, आपकी शरण में मन रहे तो कर्म कुछ भी हो उसका फल नहीं मिलेगा, उसको क्षमा कर देते हैं भगवान। तो इस प्रकार गीता के अनुसार भी अंतिम परिणाम भक्ति, भक्ति के द्वारा ही होगा। कर्म तो बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन से कहा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अगर युद्ध में तू मर गया तो स्वर्ग मिलेगा वो भी नश्वर, और या तो जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी वो तो और नश्वर। तो कर्म का फल अगर सही सही भी करो तो भी उसका फल नश्वर है, न माया जाएगी न आनंद मिलेगा, यही दो लक्ष्य है हमारे।